दोस्तों आपने करिश्मा कपूर की सुपर डुपर हिट फिल्म प्रेम कैदी तो जरूर देखी होगी, जो कि एक्शन लव केमिस्ट्री से भरपूर फिल्म थी। इसी फिल्म से करिश्मा कपूर ने इंडस्ट्री में डेब्यू किया था और अपनी पहली फिल्म से ये रातों रात सुपरस्टार बन गई थी। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इस फिल्म के बारे में नहीं बल्कि फिल्म में काम कर चुके करिश्मा कपूर सहित कुछ कलाकारों के रियल लाइफ बच्चों से रूबरू करवाने वाले हैं। अगर आप भी इनके स्टाइलिश बच्चों से रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें और साथ इस फिल्म के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर 5, परेश रावल। इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल निभाते हुए अभिनेता परेश रावल नजर आए थे, जिन्होंने फिल्म में प्रभावती के पति का किरदार निभाया था और इस किरदार के साथ काफी फेमस हो गए थे। लेकिन अगर बात करें इस अभिनेता के बच्चों के बारे में तो इनके दो बेटे हैं, अनिरुद्ध रावल और आदित्य रावल। वहीं अगर बात करें आदित्य रावल की तो ये एक जाने माने फुटबॉलर हैं। वहीं इनके छोटे बेटे अनिरुद्ध रावल जो प्रोफेशन से एक इंजीनियर हैं। आपको बता दें परेश रावल अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और इनका काफी सपोर्ट करते हैं। अगर बात की जाए इनके लुक्स की तो लुक्स के मामले में इनके दोनों बेटे किसी अभिनेता से कम नहीं हैं। नंबर 4, करिश्मा कपूर। फिल्म में लीड एक्ट्रेस नीलिमा का किरदार अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने निभाया था, जिनका किरदार फिल्म में एक अमीर लड़की के साथ साथ चंद्रमोहन की प्रेमिका का था, जिसे इन्होंने इतनी शिद्दत से निभाया कि अपनी पहली फिल्म से बॉलीवुड स्टार बन गई थी। लेकिन अगर बात करें इस खूबसूरत अभिनेत्री के बच्चों के बारे में तो इनके दो बच्चे हैं, जिनमें बेटे का नाम समायरा और बेटे का नाम कियान कपूर है, जिनमें समायरा कपूर अभी 15 साल की है और अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हैं। वहीं बेटे कियान कपूर अभी 10 साल के हैं और वो भी अपनी पढ़ाई पर फोकस करने में लगे हैं। आपको बता दें कि करिश्मा कपूर के डिवोर्स के बाद इनके अपने बच्चों के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। नंबर 3, दलीप ताहिल। फिल्म में कस्तूरी प्रसाद का किरदार अभिनेता दलीप ताहिल ने निभाया था, जिनका किरदार फिल्म में नीलिमा के पापा का था, जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे पर ये नहीं चाहते थे कि इनकी बेटी नीलिमा गरीब चंद्रमोहन से शादी करें। वहीं बात करें इस दमदार अभिनेता के बच्चों के बारे में तो इनका एक बेटा है जिनका नाम ध्रुव ताहिल है, जो इनकी तरह एक अभिनेता तो नहीं लेकिन ये भी अपने पापा की तरह एक्टिंग के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, जिसके चलते इन्होंने अपनी एक्टिंग और मॉडलिंग की पढ़ाई भी लंदन से कम्प्लीट कर ली है और मॉडलिंग की तरफ अपना कदम भी बढ़ा चुके हैं और वहीं लंदन में रहकर कई कंपनियों के लिए एडवर्टीजमेंट करते हैं। नंबर 2, अंजना मुमताज। इस फिल्म में नीलिमा की मम्मी का किरदार अभिनेत्री अंजना मुमताज ने निभाया था, जो कि अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी और उनका काफी सपोर्ट भी करती थी। इस किरदार को इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से निभाया और पॉपुलर हो गई। लेकिन अगर बात करें इस टैलेंटेड अदाकारा के बच्चों के बारे में तो इनका एक बेटा है जिनका नाम रुसलान मुमताज है, जो कि प्रोफेशन से अपनी मम्मी की तरह ही एक अभिनेता हैं, जिन्होंने कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम किया है, जिनमें से इनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं असलम डॉग, मिलियनेयर, गोस्ट डांसिंग, वेलकम, डेंजरस इश्क और जबरिया जोड़ी। नंबर 1, हरीश कुमार। फिल्म के लीड एक्टर चंद्रमोहन का किरदार अभिनेता हरीश कुमार ने निभाया था, जिनका किरदार फिल्म में गरीब लड़के का होता है जो नीलिमा से बहुत प्यार करता था। इस फिल्म में दर्शकों ने इन दोनों की लव केमिस्ट्री और जोड़ी को काफी पसंद किया था, जिसके चलते ये दर्शकों की पहली पसंद बन गए थे। लेकिन अगर बात करें इस दमदार कलाकार के बच्चों के बारे में तो इनका कोई अपना बच्चा नहीं है, फिलहाल इन्होंने एक बेटे को गोद लेने के बारे में सोचा है। तो दोस्तों आपको इस फिल्म में सबसे लाजवाब एक्टिंग किस कलाकार की लगी थी, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।